नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ न्यूज शेयर करनी है। यहां पर मेरे पास एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है, नोबडी परमिटेड टू मेक अ मॉकरी ऑफ मेडिकल लीगल एजुकेशन सेज सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि कोई भी मेडिकल एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसे कम नहीं कर सकता, और अगर वह कम हुई तो सुप्रीम कोर्ट उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगा। तो यह आप सभी स्टूडेंट के लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी और आप अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह नया रूल निकाला है कि जो भी मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी कम करेगा उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन और स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि वी कैन नॉट अलाउ एनी वन टू मेक ए मॉकरी ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन द कंट्री। एनी वन प्लेइंग विद द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल बी डेप्ट सिवियरली। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि अगर उनको पता चला है कि कोई भी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ या टीचर्स या उससे रिलेटेड कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है जिससे मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी कम हो रही है हमारी कंट्री में या वह कॉलेज में, तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि जैसे उन्होंने एक कॉलेज को बैन किया है वैसे ही वह दूसरे कॉलेज को भी बैन कर सकते हैं। तो यहाँ आप सभी स्टूडेंट के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ेगी जिससे आपका ही फ़ायदा होगा। बस इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी के साथ शेयर करना था। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।